नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ जोरावर और इस होली के त्यौहार पे मैं आज आपको सिखाऊंगा होली पे सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली और बचपन की यादों को ताज़ा करती हुई मिठाई गुजिया। इसे बनाने के लिए गैस पे हमें चाहिए होता है काफ़ी सारा ऑयल, क्योंकि इसे डीप फ्राई करके बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको आज इसे माइक्रोवेव में बना के दिखाऊंगा बहुत 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 ही कम ऑयल के साथ, यानी ये बनेगी हमारी बेक्ड गुजिया रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का रेसिपी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, यानी कि आधा केजी। इसमें हमने अब डालना है घी। घी मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है, आधा कप यानी कि 125 से 30 ग्राम जो है वो हमने घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद हम लोगों ने मैदा और घी को काफ़ी अच्छी तरह से रब करके मिक्स करना है। काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते। अगर हमें गुजिया का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लाना है तो सबसे पहले मैदा और घी दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले, यानी कि इसका कण कण अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो चलिए अब बारी आती है इसमें पानी मिक्स करने की। तो पानी डालने की भी इसमें एक टेक्निक है, एकदम से आपने ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा आपने डो में डालते जाना है और जेंटली इसको मिक्स करते जाना है। अगर बात करें कि पानी इसमें कितना क्वांटिटी में डलेगा, तो जो पानी है वो 3/4 कप से लेके 1 कप के बीच में डलेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालें और इस डो को मिक्स करते जाएं। देखने में डो ये ऐसा लगेगा कि इसमें पानी है ही नहीं या पानी बहुत कम क्वांटिटी में है। बेसिकली जो डो है वो आपका टाइट ही होना चाहिए। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इसमें आधा चम्मच नमक ज़रूर ऐड कर लें। नमक का जो टेस्ट है वो मीठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे तो ऐड करें, नहीं तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। फाइनली हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी टाइट है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसको रेडी कर लेना है। फाइनली अब हम इसको रेस्ट करने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग में सबसे पहले बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। इसको हम माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रही हैं, एक बोरोसिल का बोल लें, उसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें। साथ में 1 से 1.5 चम्मच देसी घी को हमने ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया और अब हम इसको माइक्रोवेव में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जो ड्राई रोस्टिंग है वो सिंपल वाला मोड, जिस मोड पर आप लोग खाना गर्म करते हैं, यानी कि माइक्रो मोड। माइक्रो मोड पे हम लोगों ने इसको 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है और बीच में 1 से 2 बार स्टरिंग करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। तो अगली बारी हमारे पास आती है ड्राई रोस्ट करने के लिए सूजी की। वही वाला बोल हमने लिया है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे, और ड्राई फ्रूट्स की तरह ही हम लोग सूजी को भी माइक्रोवेव में भून लेंगे। 250 ग्राम यहाँ पे सूजी का मैंने इस्तेमाल किया है और इसमें 2 चम्मच देसी घी के ऐड किए और इसको हम अब माइक्रोवेव में ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग माइक्रो मोड सेट करेंगे 5 मिनट के लिए, और याद रखिएगा कि 2 से 3 बार इसको स्टर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जो सूजी है वो जल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सूजी है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। सेम ऐसे ही मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि सूखे नारियल का बुरादा 50 ग्राम यानी कि आधा कप सेम सूजी की तरह ही मैंने रोस्ट कर लिया है। अब बारी आखिर में आती है भूनने के लिए हमारे पास दोस्तों मावे की। तो मावा जो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लिया है, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए और इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। बाकी चीज़ों की तरह ही हम लोग इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, भूनेंगे। और मावा दोस्तों, जिसको हम लोग पंजाबी में खोआ भी बोलते हैं, और हर बार की तरह हम लोगों ने यहाँ भी माइक्रो मोड ही सेट करना है। 10 से 12 मिनट का हम टाइम लगाएंगे, और याद रखिएगा हर 2 मिनट बाद इसको स्टरिंग ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो मावा जल सकता है। तो यहाँ पे जो मावा है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। इसको भून कर डालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो गुजिया है वो ज़्यादा दिनों तक चल सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो गुजिया है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो चलिए, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम सबको मिला लेते हैं। सूजी भुनी हुई जैसे कि मैंने बताया था 250 ग्राम, वो मैंने डाल ली, और साथ ही डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर वो भी ऐड कर लिया। इसके साथ ही अब हम ऐड करेंगे भुना हुआ मावा
जो कि 500 ग्राम था, जो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है सूखने के बाद, आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। इसी के साथ हम लोग चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे, और ड्राई फ्रूट्स के साथ ही मैं थोड़ी सी किशमिश भी ऐड करूँगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है मुझे खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो लास्ट में दोस्तों यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी 200 ग्राम ऐड कर ली है, और उसके साथ ही हरी इलायची का पाउडर आधा चम्मच ऐड कर लिया। चीनी आपने तब ऐड करनी है जब सारा का सारा मटेरियल ठंडा हो चुका है। बस अब करना क्या है, सारा का सारा मटेरियल हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हमारी जो स्टफिंग है वो फिल करने के लिए रेडी है। स्टफिंग हमारी दोस्तों रेडी हो चुकी है, अब देख लेते हैं हमारे डो का क्या हाल है। जी बिल्कुल, हमारा जो डो है पहले काफ़ी टाइट था, अब मैं देख पा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हम एक बारी और अच्छी तरह से स्मूथ आउट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी इक्वल साइज़ की लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे डो के पेड़े जो हैं वो हम बना लेंगे। तो अब हम इन पेड़ों को बेलना शुरू करेंगे। बेलने के लिए किसी तरह का घी या मैदे की डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप बेलन की हेल्प से इसको एक बार बेलें, उठाएं, घुमाएं और फिर बेल लें। इस तरह से हम लोग सारे के सारे पेड़ों को बेल लेंगे, ताकि हम लोग बाद में फास्ट फास्ट गुजिया बनाएं। अब नेक्स्ट हम गुजिया में स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने मोल्ड का यूज़ किया है। मोल्ड से हमारा क्या होगा कि टाइम काफ़ी सेफ हो जाएगा। बेली हुई रोटी हम मोल्ड के ऊपर रखेंगे, और हल्का हल्का जो पानी है वो हम लोग साइड्स में लगाएंगे, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जो गुजिया है जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा, स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। बस इसके अंदर हमने स्टफिंग ऐड करनी है, और उसके बाद हम लोग इस मोल्ड को अच्छी तरह से क्लोज़ करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको बंद करेंगे टाइटली थोड़ा सा, और जो आप देख रहे हैं असेस जो आप मैदा है साइड में, वो हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैदा जो है उसको निकाल लिया, और यहाँ पे देखिए हमारा जो गुजिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम लोग बाकी के गुजिया भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे गुजिया को हमने माइक्रोवेव पैन में डाल लिया है, अब हम इसे बेक करेंगे। गुजिया को बेक करने के लिए हम लोग माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड का यूज़ करेंगे, और इसे हम प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट जब हम करेंगे, आपका माइक्रोवेव खाली होना चाहिए। 200 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सेट किया है, और इसको स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही इसमें टेम्परेचर कम्प्लीट होगा, ये ऑटोमेटिकली बीप कर देगा, उसके बाद हम लोग इसमें गुजिया को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो चुका है, अब हम इसमें गुजिया को बेक होने के लिए रखेंगे। अगर आपके माइक्रोवेव में फ़ैन बैक साइड पे है तो मेरी तरह लो रैक का यूज़ करें। अगर आपके माइक्रोवेव में जो फ़ैन है वो ऊपर की साइड पे लगा हुआ है तो हाई रैक का यूज़ करें। अब बात करेंगे हम यहाँ पे टाइमिंग की। तो यहाँ पे जो टाइम है आपने वो 15 से 20 मिनट का सेट करना है, और 5 मिनट के बाद हम सारे गुजिया को घी से ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने सारे गुजिया को देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखा दोस्तों आपने, जो घी है वो बहुत ही कम मैंने यूज़ किया है, यानी कि गैस से बहुत बहुत कम। तो सारे गुजिया को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। डोर को मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया, और वापस हमने यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबा दिया। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेट किया हुआ टाइम था वो ओवर हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमारी जो गुजिया है बहुत ही अच्छे तरीके से इवनली ब्राउन हो चुकी हैं, आई थिंक गैस से बढ़िया। तो अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस होली पे ये बेक्ड गुजिया रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी तरह का डाउट हो, क्वेरी हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ। और इन दी लास्ट दोस्तों, हैप्पी होली।